गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक तत्व, जिसमें आपको बताया गया था कि पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। वे परमाणु या वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो NP126, यहाँ पर NS2 होता था, NS2 NP126 में एंटर करता है। और इसके बिहाव पर हमने 6 कार्बन फैमिली पढ़ी थी, एल्युमिनियम फैमिली जिसमें बोरॉन एल्युमिनियम सिलिकॉन था, उसके बाद कार्बन फैमिली पढ़ी थी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और इनर्ट गैसेस। ये 6 परिवार होते हैं हमारे P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6, जिसमें से बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली क्लास 11th का सिलेबस है। और इस साल आपको पढ़ना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और इनर्ट गैसेस के बारे में। हमने हमारा नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नाइट्रोजन फैमिली यानी कि नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की कुछ भौतिक गुण जो होते हैं वो हमने पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें लास्ट आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा, तथा साथ में आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी का बढ़ना और घटने का जो क्रम होता है इसमें जो अपवाद था, इसका जो एक्सेप्शन था, वो एक्सप्लेन किया गया था। अगर किसी बच्चे ने इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो पहले वो पहला एक्सप्लेनेशन देखे, उसके बाद आगे बढ़े, वरना बहुत सी चीज़ें उसकी मिस हो जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि धात्विक और अधात्विक गुण। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो मेटल की प्रॉपर्टी शो करे वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, और जो एलिमेंट नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो दोनों में प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, वहीं पर जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा, मेटल की टेंडेंसी, धातुओं की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन देने की, जबकि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। हम यहाँ बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मत है। ये फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे नाइट्रोजन फैमिली के। इनमें से हमें पता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों तो नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं यानी कि ये दोनों अधात्विक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे मेटेलिक करेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? अभी हमने कहा कि मेटेलिक करेक्टर का मतलब है, धात्विक गुण का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉबिलिटी कम होती है, उनके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता। इस कारण जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं वो अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वैसे वैसे इनमें इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रबलता है वो बढ़ती जाती है। कारण क्या है? कारण यह, नाइट्रोजन में न्यूक्लियस के बाद 2 शैल होती हैं, फॉस्फोरस में न्यूक्लियस के बाद 3 शैल होती हैं, इसी तरह से जब आप आर्सेनिक में बात करेंगे तो इसमें 4 शैल हो जाएंगी और ये क्रम बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है यानी कि परमाणविक आकार जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनकी दूरी नाभिक से क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। आप साफ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस से ये 5 जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये पास हैं, यहाँ और दूर हुए, यहाँ और दूर चले होते चले गए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा बाह्यतम कोश जो है वो और दूर होता जाएगा, यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से और दूर होगी, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे नाभिक प्रभावी बल कहते हैं, वो घटेगा। और जैसे ही ये बल घटता है वैसे ही किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। इसी कारण नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ये आपकी अधातु हैं। लेकिन एंटीमनी और बिस्मत की जब बात आती है तो इनमें ये मेटलॉइड कहलाते हैं, इनको कहते हैं उपधातु। उपधातु क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, वैसे वैसे नॉन मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है, अधात्विक गुण घट रहा है लेकिन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो ये दोनों नॉन मेटल हो गए, ये दोनों आर्सेनिक और एंटीमनी क्या करेंगे, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी कि धात्विक और अधात्विक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण ये कहलाते हैं मेटलॉइड यानी कि उपधातु। और उसके बाद जो बिस्मत है ये हमारा मेटेलिक करेक्टर
शो करता है, यानी कि धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है तथा अधात्विक गुण घटता है, कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है जिसके कारण बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ये किसी भी तत्व का वह गुण होती है जिसके कारण कोई भी तत्व साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी कि एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू कोई भी एलिमेंट जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी कोवेलेंट बॉन्ड में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपने पढ़े होंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध बनता कैसे? सहसंयोजी बंध तब बनता है जब दो परमाणु, जैसे एक ए परमाणु एक बी परमाणु, इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन या फिर दो दो इलेक्ट्रॉन या फिर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। तो उस तरह से यहाँ पर सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते थे। फिर हमें बताया जाता था कि अगर ये दोनों परमाणु जो हैं ये दोनों एक जैसे परमाणु हैं, समान परमाणु, यानी कि ये दोनों एटम सेम है, होमोएटॉमिक हैं, तो उस कंडीशन में दोनों से जो ये साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन है बराबर दूरी में रहेगा दोनों के नाभिक से, दोनों एटम के न्यूक्लियस से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे Cl2 लिया, O2 लिया, N2 लिया, तब तक तो ठीक है, तब तो भाई दोनों क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जो साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, वो सिर्फ कहाँ रहेगा, दोनों परमाणुओं के मध्य में रहेगा, समान दूरी पर रहेगा। लेकिन यही बॉन्ड अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बना दें, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग परमाणु हैं, हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन की टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन देने की है, क्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है। तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण जो यहाँ पर साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है इस गुण के कारण, विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो विद्युत ऋणात्मकता कहती क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है कि जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर NH3 है, अमोनिया बनाया हमने, तो जब हमारे दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उस अवस्था में जो साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज़्यादा होगी, और यही गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन क्योंकि नॉन मेटेलिक है, अधात्विक है, और इसका गुण होता है इलेक्ट्रॉन लेने का, और हाइड्रोजन का गुण होता है इलेक्ट्रॉन देने का, जिस कारण से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी। लेकिन हम बात अगर नाइट्रोजन फैमिली की करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, अगर इन पांचों की बात करें तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। कारण फिर से वही कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वैसे वैसे धात्विक गुण बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रबलता बढ़ती है, जिसके कारण जो अधात्विक गुण है वो कम होता जाता है, धात्विक गुण बढ़ता जाता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होता है और मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। इसी कारण अपनी पूरी फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है, और जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो घटती जाती है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको ध्यान से समझिएगा। वैलेंसी के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है डी ब्लॉक एलिमेंट में कि संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, लिए जाएं या फिर साझा किए जाएं, वो उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है, यानी कि वैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट एक्सेप्ट और शेयर्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट। तो यहाँ पर आप जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लीजिए, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, ये कंडीशन होती है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन,
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं हमें, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 हैं तो कितने चाहिए हमें, 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, इन सब की वैलेंसी क्या होगी, +3। मतलब ये +3 तो फिक्स है, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी के जो एलिमेंट हैं, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब में पाई जाती है डी ऑर्बिटल, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल या रिक्त डी कक्षक, ये पाया जाता है। तो होता क्या है कि इनका जो 2s2 वाला इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण से इनकी संयोजकता यानी वैलेंसी बढ़ करके 5 हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझिए, फॉस्फोरस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, और तीसरा शेल जब स्टार्ट होता है तो यहीं पर प्रेजेंट होगा 3d0। तो नॉर्मल कंडीशन में बाह्यतम कोश में यहाँ पर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो इसकी वैलेंसी हमने कह दी कितनी हो गई, 3 हो गई। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट आती है, जब उत्तेजित अवस्था में फॉस्फोरस आता है, तो ये 3s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है और कंडीशन बन जाती है 3s1, 3p3 और 3d1। अब अगर आप इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। p में 3 इलेक्ट्रॉन है, हो कितने सकते हैं, 6 हो सकते हैं। और d में यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस तरह से एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 और 5, और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और ये अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में अनपेयर्ड स्टेट में। तो इस कंडीशन में जो फॉस्फोरस है तथा इसके नीचे जितने तत्व आते हैं नाइट्रोजन फैमिली में, वो सब 5 वैलेंसी तक शो करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को छोड़कर। अब नाइट्रोजन को छोड़कर क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में पाया जाता 1s2, 2s2, 2p3, यहाँ पर कोशों की संख्या जो होती है 1 और 2, केवल 2 कोश पाए जाते हैं, जबकि जो डी उपकोश है वो तीसरे कोश से यानी कि थर्ड शेल से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, पहले शेल में केवल एक उपकोश पाया जाता है एस, दूसरे कोश में 2 पाए जाते हैं एस और पी, और तीसरे में पाए जाते हैं, तीसरा जो कोश होता है, जो तीसरा शेल होता है, उसमें एस, पी और डी, ये 3 पाए जाएंगे, और चौथे में एस, पी, डी, एफ। आप बाउ प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा। तो नाइट्रोजन के केस में क्योंकि केवल कोशों की संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पर जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जो रिक्त डी कक्षक है, वो नहीं पाया जा रहा, जिस कारण से केवल नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो यहाँ पर 3 मानी जाती है। वैलेंसी इसकी कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन नाइट्रोजन के बाद चूंकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब में रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, और उत्तेजित अवस्था में यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जो NS2 का इलेक्ट्रॉन होता है वो N-1 या ND0 वाले ऑर्बिटल में जंप करके चला जाता है। और जब ये यहाँ पर जंप करता है तो हमारे पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो अनपेयर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने हो जाते हैं, 5। नाइट्रोजन में केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 2p3 में, तो उसकी वैलेंसी 3। लेकिन फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ और आर्सेनिक, इसमें एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये सारे जो मेंबर होंगे ये 3 के साथ 5 ऑक्सीडेशन, 5 वैलेंसी यानी कि 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए आपने PCl3 भी सुना होगा और PCl5 भी सुना होगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो कारण ये है, तो ये थी इनकी संयोजकता। इसके बाद बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था की, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में एक पर्टिकुलर एटम के थ्रू जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैक्सिमम, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो अभी आप पढ़ क्या है, नाइट्रोजन के केस में केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन 1, 2, 3 ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा ही करेगा, साथ में जब नाइट्रोजन का आप बनाते हो 1s2, 2s2, 2p3, तो इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित होते हैं, तो ये तो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा ही 1, 2, 3। लेकिन
उत्तेजित अवस्था में यहाँ पर जो S2 के दो इलेक्ट्रॉन हैं ये जंप तो कहीं नहीं करते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। नाइट्रोजन के पास देखिए बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 5ों इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, इसलिए नाइट्रोजन -3 से +3 तक, -3, -2, -1, +1, +2, +3 ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है और साथ में कुछ स्पेशल केस में +4 और +5 भी शो कर सकता है। लेकिन बाकी के जो हमारे एलिमेंट हैं जैसे कि फास्फोरस है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, आर्सेनिक है, इसमें ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये अलग अलग होती है। इनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कुछ इस तरह से पाई जाती है। देखिए फास्फोरस में -3, +3, +4, +5 तो यहाँ पर वैलेंसी के साथ आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि संयोजकता का मतलब है ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी अष्टक पूरा करने के लिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना कि वैलेंसी, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप उसे पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।